अभी जो ब्लैक वाली जा रहे देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है। तो जूतियाँ तो खा के जाए ना। सुहागन के सिर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, मगर अभी लगाने के लायक नहीं होता दो चुटकी सिंदूर। बिंदी लगा के तो ओए हो। एक बात बताइयो सच सच, तेरा मुंह लोगों के पिछवाड़े में लग रहा है ना। हमारे पास भी कोई लड़की हुई थी जो हमको भी शॉपिंग कराती, तो जिस चीज के लिए हमने 4 महीने वेट किया फाइनली आज वो हमारे घर पर आ गई है, और वो है तो हम। मेरे जिगरों क्या हाल चल, सभी को जय श्री श्याम भाइयों को राम राम। तो स्वागत है आपका हमारे एक और तड़कतेदार भड़कतेदार हाथ में पता ही होगा एक मजेदार व्लॉग में। तो थिंग इज आज हम लोग जा रहे हैं, यानी कि मैं और मम्मी जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। आई नो तुम बोलोगे भाई साहब तुमने कितने सारे बना दिए यार सरोजनी के, पर मम्मी के साथ जा रहा हूँ देखते हैं। और पहली बात, मैं सरोजनी क्यों जा रहा हूँ मैं तुम्हें इसका रीजन बता देता हूँ। जिमी बारा सो मैंने अभी भी खाना दिया, आई नो ये हागेगा और ये मेरे कमरे में हागता है, यहाँ बैठ जा। तो हाँ जी जिगरों, हम लोग सरोजनी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भाई को एक इवेंट में जाना है जिसके बारे में अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि सख्त मना किया गया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक आधा कपड़ा जोड़ी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कपड़े तो वैसे हैं लेकिन नॉर्मल पार्टी वेयर टाइप नहीं है। और तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज है जिसके लिए मैंने खुद 4 महीने वेट किया है, और वो सरप्राइज है आने वाली वीडियो में पता चलेगा वो सरप्राइज क्या है। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो सरप्राइज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत लेट हो रहा है क्योंकि मैंने सुना सरोजनी मार्केट के अंदर जो होते हैं ना, लेट जाओ तो कपड़े छट जाते हैं। सबसे पहले निकलते हैं, लाइट्स करते हैं ऑफ और सीधा मिलते हैं, चलते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा जी भी बड़ा अपना ख्याल रखना, हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। थोड़ी देर बैठिए घर में, तब पता चलेगा मालिक की कीमत जिसे आप काटते हैं। अकेले रहिए इस रूम में, दतेंगे हम लोग इसको अकेले छोड़कर नहीं जा रहे हैं घर पे, पप्पा और रिया रहने वाले हैं। और हम दोनों क्या कितना मासूम चेहरा बना रहा है यार, देख रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी, कहा है मम्मी, आए मम्मी, भांडे मारे एकदम बर्तन मांज से पापा। इतनी अच्छी बात है अगर बर्तन मांज रहे हो, लोगों के पति पता है बर्तन, लोगों की औरतों के पति बर्तन ही मांजते हैं। तो कितने प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे आपके लिए, देख रहे हैं हेल्प करा रहे हैं बीवी की। देखो मम्मी गलत बोल रहा हूँ, मम्मी देखो अंदर ही अंदर कितनी खुश है इस बात को लेके, देख रहे हो, देख रहे हो बर्तन धो रहे पापा, यही कराओगे प्यार, देखो आप प्यार। लास्ट में क्रेडिट पापा को दे दे, पापा खुद ही कर रहे, मैं को ही कर रही पापा। तो चलो जुगनो सब लोग चलते हैं सरोजनी नगर मार्केट। तो भाई हम जा रहे हैं सिर्फ मम्मी और मैं, मम्मी मौज मार के आएंगे, बड़ी मौज मार के लाएगा तू, वहाँ पर इधर से बिठा के ले आएगा वहाँ से घुमा के, मौज मार के आएंगे, खिलाऊंगे पिला के लाऊंगा आपको। हेलमेट रह गया ऊपर, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। कब नहीं होता है, अब हम चलेंगे, ठीक है। कुछ कैश वैश ले लिया, तेरे साथ किस लिए आ रही है, मेरे से पैसे फुकवाओगे क्या, मेरे पैसे फुकवाएंगे, देखो इसकी तरसा मत, ले जाना है तो ले चल, नहीं ले जाना तो तरसा मत। वो वैसे ही दिल को उसने कर लिया कि मम्मी आप चले जाओ, तुझे कल्पा मत यार, एक बार रो के दिखा दे, तो मजा नहीं आता बिना रोए। चलेगी तू भी, नहीं खिलौना ले ली, चला हैं, चलेगी, चला जा, रहने दे, आ जा, कोई नहीं ऐसी ठीक है, बोल रो रही है, चल पीछे आए बड़ी, चल आए बड़ी, मैं भी चीजेंगी ऐसे मत, अच्छा चल अभी रो जाएगी, अभी रो जाएगी, मुझे पता है अभी रो जाएगी, चलेगी तब आप अकेले घर पे रहोगे, अब कहेंगे मैं नहीं छोड़ता अकेला, सोऊंगा थोड़ी देर, जिम्मी देख ले, जिम्मी का भी ख्याल रखना, जिम्मी की नौकरी करना, मैं सोचा बिचारी को ले जाओ, बिचारी भी मुझे तरस आ रहा था, मैंने कहा चल कोई नहीं गरीब है, गरीब का भला करूंगा तो भगवान मुझे दुआ देगा। चल आना बताओ, कुछ इस गरीब का भला कर ले, पजामा लोअर टी शर्ट अब यही मांगते हो, एक लोअर ले आइयो और एक जुराब का जोड़ा ले आइयो, दो लोअर और जुराब पहन के पापा ले आएंगे, चलो ले आएंगे। तो भाई हाँ जी जिगरों से हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले गाड़ी में तेल डलवाने, क्योंकि हमारी जिंदगी में घर में सब कुछ हो सकता है लेकिन कभी गाड़ी में तेल नहीं हो सकता। रीजन क्या है मम्मी की गाड़ी में कभी तेल क्यों नहीं होता यार, तू गाड़ी पकड़ ले पहले, तो गाड़ी के लात से चला रहा हूँ। तो हाँ जी जिगरों से हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी रमेश नगर खड़े हैं, अब आगे हम लोग जा रहे हैं। मैंने मम्मी को बोला मम्मी चलती गाड़ी से ले लेते हो यार व्लॉग, बोलते हो चलती गाड़ी में, नहीं तू गाड़ी रोक के कर, डर लगता है मम्मी को, ये देखो जाके बेफालतू के फ्रेम में, अब तो दिखाना पड़ेगा। अब मिलते हैं सीधा सरोजनी नगर के लिए। जी जिगरो हम लोग पहुंच चुके हैं सरोजनी, मम्मी कैसी लगी आपको मेरी ड्राइविंग और कैसा लगा आपको मेरे साथ बैठ के, कैसा लगा मेरे साथ को ड्राइव पे बैठ के, मजा आया मेरे साथ, मजा आता है पापा के साथ, मजा आता है मेरे साथ, पापा के साथ जल्दी बताओ, मेरे साथ पक्का, पापा को दिखाऊंगा
पापा को दिखाऊंगा ये वीडियो। कुछ खाते हैं ठीक है रिया? मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, उसके चिप्स लेंगे। खिलौने कैंसिल फिर? हैं? खिलौने कैंसिल? नहीं। मम्मी पहले कुछ खाए क्या? अभी मार्केट में कुछ ले तो लो पहले, खाने की पहले खाते हैं, फिर बाद में पकड़ के खाया नहीं जाता। हद है यार। बोबड़ी भी हो गया? क्या भी हो गया? बोबड़ी। बोबड़ी क्या होता है? बोबड़ी नहीं, बोबटी। वो क्या होता है? अरे गरीब क्या जाने महंगे शौक। वेट करवा दियो। हाँ वेट करना आपको, रहना बेचारे की मशीन टूट जाएगी बेफाल। तुम आपको चढ़ते पहली कांच की चटक जाएगी। सरोजनी में बहुत भीड़ है यार, सरोजनी में काफी भीड़ है यार, काफी ज्यादा भीड़ है सरोजनी के अंदर। मुझे लग रहा था इतनी भीड़ होगी। मम्मी मैं अपनी बीवी के लिए गिफ्ट ले लूं? मुझे कुछ दिला दियो। आई हाँ तो क्या करो, कर लो शॉपिंग। चलो आज मैंने 5,000 का बजट दिया, जो करना ले लो। इतनी अमीर नहीं हूँ मैं अभी, मजाक नहीं सीरियस। 5,000 का बजट दिया मैंने आपको, जाओ खर्च करिए। 5 रुपए का बजट दिया आपको, कुछ लेना तो देख लो। मुझे तो दुकानें पता है, मुझे कहाँ से कौन सी चीज लेनी है। ठीक है अब यार देखने के लिए आया हो क्या? अब इतने दूर से पेट्रोल डलवा के भीड़ देख लो तुम। भीड़ फुल भीड़ हो रही है, फुल भीड़। बस साथ ही चालू होकर ये लेने आया था ना हम, क्या इवेंट में ये लपेट के जाऊंगा मैं। क्या भाई वीडियो बनाने? भाई अपनी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई? हमारी आए कर दो। चलो बस यार मम्मी बहुत भीड़ है यार, जाएगा यार। क्या भी रहा था, आप बताओ। मैं घूमोगी तो आप भी 3 बंदों के बराबर हो, तो अभी आप जैसे आ रहे ना, भीड़ मच रही है यहाँ पे। आगे भागे जा रहे हो, अकेले आए हो? सो के दो। 3 बॉल लगाएगा क्या? 3 तो आप नहीं बोल सकते मेरे को, बोल रहे 3 लोग। मेरी बेइज्जती करा दी, कुछ से बोला नहीं जाता है मेरे को। बोल पा रहे हो पापा का ताज ले लो, पापा का ताज लेने क्या आया था, ले गया। चेक करियो तू, मैं नहीं पहनता सर। चेक करेगा फोन पे? अबे यार चेक भी करो यार, दिखा रहा कैप में अच्छा करो। अपने पति के पजामे दिख रहे इतनी देर से बोल रहा हूँ, मुझे सामान लेना भाई। चलो ना थोड़ा तेज तो चलो, तो धीरे धीरे चल रहा है आप लोग। मेरी मम्मी बस तब से रेट पूछ रही है, ठीक है बार्गेन कर रही है, नहीं हो रहा तो ले नहीं रही है। आते हुए मैं 20 मिनट हो चुके हैं, और हमने शायद आधे से थोड़ा 1.5 हमने कर ही लिया, थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया हमने, कुछ भी नहीं है। हर चीज देख के लेते हैं, आप सिर्फ देख रहे हो, ले ही तो नहीं रहे हो। क्या लेना है क्या नहीं लेना वो तो समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इनने पहले रज के पूरा बाजार घुमा दो 3-4 बार, मेरे को कुछ दिखेगा पहले। कुछ दिखेगा? इतना कुछ दिख चुका है। ऑरेंज कलर, वो वाला, वो ऑरेंज कलर, येलो, सॉरी येलो कलर। ये वाला कलर मेरे पे क्या होगा? खिलेगा दोस्तों। गेंदे का फूल लगूंगा इवेंट के अंदर, जैसे गेंदे का फूल आया हो। मुझे तो वो पसंद आ रहा है, वो व्हाइट वाला। कौन सा? ये जो व्हाइट और ब्लैक है। हाँ ये औरत, मेरी माँ औरत अपने पति के लिए पजामे ढूंढ रही है, क्योंकि पति जी ने बोला था पजामे। पति की इज्जत भी रखनी है, पति की इज्जत रखनी है। ले लो, के ले लो, सही लग रहा है। ब्लैक ना, और एक दूसरा देख। लंबाई का चेक करूँ कि पहन के चेक करूँ? यहाँ पे पहनने के लिए कोई बोल रही हूँ आपको, बस सिलअप तो पहना भी दोगे। देखो गाइस मम्मी, देखो अभी भी इतने बड़े होने के बाद भी क्या क्या कर रही है। देखो ये देख रहे हो, मतलब मम्मी बाजार में कोई सब्सक्राइबर मिल गया ना मेरा, और उसने मुझे ये करते हुए देख लिया, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। लौंडा आपका बैठा है अभी, पैसे आप कैसे दोगे मेरे होते हुए पैसे? अभी जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही पैसे दूंगा। कम बोला कर, पकड़ो 200 रुपये, सॉरी 20 रुपये। अभी लौंडा जिंदा आप। हमारे पास भी कोई लड़की हुई थी जो हमको भी शॉपिंग कराती है। यार ये अपने मतलब के सामान दिखा रही है यार, ले ले यार जा, ले ले क्या लेगी, जा जा दिलाओ मम्मी, दिला दो यार जितने मर्जी के दिला दो। यार कितने नखरे हैं भाई इन लोगों के। अब क्या हुआ गद्दे वाली डाली है क्या? आज तक मुझे ना बड्डा वाली। इसको बार भी करनी चाहिए, इसे भाभी कर चाहिए। इसे भाभी कर चाहिए, ये कह रही मुझे भाभी चाहिए, भाभी कर। अब नहीं जी अभी भाभियां आओ, उसने भाभी कर ढूंढे का क्या क्या हो गया? वो 150 150 के बाजार में है वो, 150 के चलते हैं वो। चौकड़ी मार थी कुछ बड़ा पड़ जाता नहीं किसी में। अच्छा 150 की टी शर्ट है, बाजार में नहीं है। 150 की टी शर्ट है मम्मी, वो 10 घंटे चलवा दिया मेरी माँ ने मुझे। चलो मारी थोड़ी बहुत, तूने लेना मेरे को नहीं पता, मैं तो चली जा रही हूँ। तब से तूने लेना, तूने लेना दो बार तो आपने ले ली, तूने लेना कर रहा है। हाँ यार दिखाओ, बोलो कुछ, थोड़ा इनकी तारीफ करो जींसों की। भाई जींस है पहली बार देख रहा हूँ मैं,
बचपन से कच्चे में घूमा था, पहली बार देखा अंकल, क्या तारीफ करो इसकी। क्या बोल रहा था? किस्मत बदल देती है दिन से। किस्मत बदल देती है? ऐसे होगी ब्लैक में। साइज क्या होगा? हाँ जी साइज मेरा ही साइज होगा, पूरा कमर बताओ कैसी है। कमर देख लो, कम 32 हो जाए तो कमर मेरी 32 कितनी होगी? कमर मेरी तेरी 32-30 देख लेंगे। मैंने ये पसंद करा है, अच्छा लगा ना कॉम्बिनेशन। अरे मेरी पसंद ये बहुत सेक्सी है यार, अच्छी उसका देखो बीवी लाऊंगा तो मज़े हो जाएंगे आपके। पता मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मुझे जिगरोज ने बोला, मेरा अंदर से कोई मन नहीं है सच बताऊँ तो। मुझे जिगरोज आप कुछ बोलते हो? जिगरोज तो मेरी पार्टी मना देना एक दिन। तो भाई करीबन 950 रुपये में हमको दो चीज़ें मिल गई है। जिगरोज मम्मी आ गए यार, आगे जो ब्लैक वाली जा रहे हो देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है। तो जुतियाँ तो खा के जाए ना, ब्लैक वाली मस्त लग रही है मम्मी। अभी अभी भैया पीछे देखा आपने, जुतियाँ खा के जाना या कर जाना सीधा ही? मस्त लग रही थी मम्मी, बिंदी लगा के तो ओए होए मजा ही आ गया मम्मी, कटे स्वाद आ गया। बस कर यार, मस्त थी वो लड़की कसम से। तू जते ना मार्केट आया है लड़कियाँ पकड़ आया पहले दस, तो क्या हो गया लगे हाथ रिश्ता पक्का हो जाएगा। दिक्कत है क्या आपको कोई? खुशी नहीं देख सकते आप? अभी तेरी खुशी में मुझे खुशी नहीं होएगी, इसलिए अभी नहीं लानी खुशी। नहीं खुशी के पापा ने। हेलो, हेलो फोन नहीं कर रहा तू? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? अरे भाई कैसे हो? बहुत अच्छा, भाई सरोज ने में हमारे सब्सक्राइबर्स मिल गए कुछ। ओह थैंक यू सो मच भाई, तुम भी इंस्टा पे फॉलो कर लो ठीक है। तुम भी इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, बाकी सब कर रहे हैं इंस्टा पे फॉलो। कैसे हो? रोए मत करो, ट्यूशन जाते टाइम। वो नर्वस हो गई है बहुत ज्यादा। मिला से सब्सक्राइबर मिलने आया, ये नर्वस हो गई। अरे यार मम्मी तुम सही नहीं चलते, एक तो कुछ चलना नहीं आता है। क्या कह रहे हो? जिसने तुझे चलना सिखाया तो उसे चलना सिखा रहा है? भाई जब हमें हमारा सब्सक्राइबर मिलता ना तो तुम सोचते हो कि मेरी मम्मी बोलती हो कि वाह बेटा सो प्राउड ऑफ यू। मेरी मम्मी बोलती है मुझे कैमरामैन बना दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे शर्म आ रही है ऊपर। भाई गाइस नहीं जिगरोज हमारी आर्मी का नाम जी भाई। अरे मजे लेने वाले बहुत होते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉग बनाते हो मजे लेने वाले बहुत होते हैं। तो तू ऐसे मजे लेता फिर वो दोबारा मजे लेने के लायक नहीं रहते हैं। मैं जानती है फिर बताओ, जो वार्निंग देकर आओ क्या डरियो? तुझे मजे लेने के लायक नहीं रहते, मुझे तेरे से मजे लेते हैं। फटाफट चलते हैं, पहले ले लेते हैं मम्मी एक टी शर्ट, फिर कुछ खाते हैं, फिर चलते हैं। रिया को खिला दे भाई। ठीक है जो कहेगी वो खिला दूंगा। फिर से बोलना रिया को नहीं लाऊंगी आगे से। जब पहले कह रहा था रिया को मतलब तब सुनने गया था। अब रो क्यों रही है? सही कह रहा था, बोलते रहो जो लेना ले ले, रो क्यों रही है? दो चुटकी सिंदूर भी लेना की कीमत तुम क्या जानो? प्रीति बबुआ सुहागन के सिर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, मगर अभी लगाने के लायक नहीं होता दो चुटकी सिंदूर। औकात के बाहर होता है दो चुटकी सिंदूर। एक बात बताइयो सच सच, तेरा मुंह लोगों के पिछवाड़े में लग रहा है ना? तो हाँ जी जिगरोज हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, मम्मी ने और रिया ने तो कोई शॉपिंग करी नहीं है, मैंने ही शॉपिंग करी है। इन लोगों को मैंने कहा था, बजट भी दिया था कि 5,000 तक की कर लो, लेकिन मम्मी का हौसला नहीं पड़ रहा था। ये मत बोलना मैंने मना किया था ऑडियंस, इनको संडे बाजार से लेना, इनको दुकानों से दिला रहा, इनको दुकानों से नहीं लेना। सही कहते ना भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दो फिर भी भीख ही मांगता है। रिया तेरी वही हालत है। मतलब मैंने इनको कहा कि संडे बाजार वगैरह पैसे ले लो 5,000 रुपये, आपको जो लेना है ले लो। अभी इतने कहा था 5,000 दिए, मतलब मैं तो सोचा 10,000 देने की सोच रहा था, पर आपने नहीं लिया तो भाई मैंने ले लिया है। और अब मैं सोच रहा हूँ इनको कुछ खिला पिला दूँ। आ जाओ चलो चलो भाई लेट्स गो। ठंडे पानी से नहाओ, आज ठंडे पानी से नहाओ भाई। तुम तुम्हारा खून गर्म है, तुम्हारे ठंडे हो चुके हैं। आपके ठंडे हो गए? ठंडे तो हो नहीं थे, ऐसी लाज जो पैदा करिए गंदे वाली। देखो यारी तो ये देखो वहाँ खिला रहा है जहाँ पे वेट की मशीन पड़ी है। बैठो केक का आधा खाना ला। ये पड़ी वेट की मशीन, यहाँ पे एक हरे मोमोस। फुल मोटिवेशन मिला ना था कि वेट की मशीन आपको सामने दिखी तो आप खा नहीं पाओगे। एक तो खाओगे, एक खाओगे, खा के बताओ पहले आप बताओ खा के कैसे लग रहे हैं। इससे घटिया मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। तो हाँ जी जिगरोज हमको हमारे बहुत प्यारे से क्यूट से गोली मोली सब्सक्राइबर मिल गए हैं, और मैं जस्ट अभी कोक लेके जा रहा था, इन्होंने मुझे पहचान लिया है। भाई बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो हमें, और काफी ज्यादा मुझे खुशी होती है इस चीज़ की। तो वहाँ भीड़ लग गई थी तेरे भाई पे? कहाँ लग गई थी भीड़? वहाँ पे जैसा सब्सक्राइबर मिले भीड़ लग गई, हमने मिस कर दी वो चीज़। तो मुझे पता वहाँ भीड़ लगी हुई है, फिर नर्वस हो जाता बेफामती में। तो हाँ जी जिगरोज हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम लोग निकल रहे सीधा घर के लिए। हम तीन थैलियों को शॉपिंग कहते हैं ठीक है। तो अब निकलते सीधा घर के लिए। और मम्मी कैसा लगा आज आपको? तीन थैलियों को निकलता टाइम
जो साथ में बीत जाए उसको अच्छा मुझे बताओ कैसा लगा आज आप सरोजनी आए आपके बेटे के इतने सब्सक्राइबर मम्मी को पता मम्मी के सामने पहली बार इतने लोग मिले वरना मैं आपसे फर्स्ट टाइम था ना आपका मम्मी का फर्स्ट टाइम था कि पहली बार इतने लोग मिले हैं तो और, हाँ, और रिया का भी फर्स्ट था तभी मैं नर्वस हो गई थी तो कैसा लगा आपके बेटे को आज इतने लोग मिले लोगों ने पहचाना और बस अच्छा लगा अच्छा लग रहा था देख कर बस शर्म भी आती कई बार इतना बड़ा हो गया तू चलो भाई चलते करके ना ठीक है चल चलो तो हाँ जी जिक्रोज हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं और मम्मी जो है वो रिया को लेके गई हुई है बाजार क्योंकि भाई साहब जलेसी नाम की चीज को ज्यादा ही टॉप पे है क्योंकि अब उसको भी सामान चाहिए और साथ ही साथ बस एक नॉर्मल सा ब्लॉग था मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया डेली लाइफ एक ब्लॉग था आई होप आपको ये पसंद आया होगा और जो अभी तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं वो कह रहे होंगे अभी तक सरप्राइज नहीं मिला सरप्राइज उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ तक पहुंचे हैं और वो ये है कि हमारा गोल्डन प्ले बटन आ चुका है जो कि ये पड़ा और ये सरप्राइज भी सिर्फ उन लोगों को पता चलेगा जिन जिगरों हमें जो दिल से प्यार करते हैं और जिन्होंने वीडियोस यहाँ तक देखी है तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गोल्डन प्ले बटन की अनबॉक्सिंग छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना तो तब तक के लिए जय श्री श्याम जय श्री राम।